हिमाचल के ज्वाली के कोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। हिमाचल के ज्वाली की सिविल जज अनीता शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस की टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं स्थानीय मिनी सचिवालय ज्वाली के प्रणांग में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी सादगी और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। एसडीएम सलीम आजम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस की टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। एसडीएम सलीम आजम ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आजादी के उन वीरों को नम्र किया जिनके तप, त्याग और बलिदान से हमें यह आजादी मिली है। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान अपनी जान की चिंता ना करते हुए दिन रात लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित पुलिस, होमगार्ड तथा सभी एनजीओ का आभार जताया। उपमंडलाधिकारी ने इस मौके पर कोरोना संकट के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, पुलिस व पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं भरमाड़ पंचायत में प्रधान सुषमा देवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही दूसरी ओर हरनोटा पंचायत में प्रधान परमजीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। पूरे मंडल के सभी लोगों को प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और ये आजादी हमें यूं नहीं मिली, आजादी को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ना, आप सभी पढ़ा है, सभी को ये विदित भी है कि कितने लोगों ने अपनी जानें दी। और उस वक्त जब ये लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध और कम से कम 200-250 साल अंग्रेजों की दासता में हम लोग रहे थे, हमारे पूर्वजों ने उन्होंने इसके लिए संघर्ष का विरोध बजाया, यातनाएं सही, कई प्रकार के जेल उनको हुई और अपने प्राणों को निछावर भी किया आप जानते हैं। और 90 साल का 1857 का जो पहला स्वतंत्रता दिवस सॉरी संघर्ष था उसके बाद 90 साल और लगे हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में। तो आज ये मौका है हम सब लोग उन वीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद करें और उनको श्रद्धांजलि दें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।